कैसे हैं आप? तो आज होगा एक डाइट वीडियो, एंड ये वाली वीडियो मैं कमेंट्स के बेसिस पे बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने काफ़ी सारी डाइट प्लान की वीडियो बनाई है, एंड 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर भी बनाई है, बट काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि मैं एक फैट लॉस की, स्पेसिफिकली फैट लॉस की डाइट प्लान पर वीडियो बनाऊँ विद 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। सो हियर इट इज़। सो आज की इस डाइट में मैं एम करूंगा 1800 कैलोरीज विद 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द डाइट। सो गाइस, ब्रेकफास्ट में हम यहाँ पर लेंगे एग्स और दलिया। एग्स की प्रिपरेशन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको सबसे पहले 3 होल एग्स लेना है, एंड देन उसमें आपको सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ऐड करना है, एंड देन उसे प्रॉपरली मिक्स कर लेना है। एंड बहुत ही इजी है इसको कुक करना भी। आपने पहले भी कभी स्पिनच एंड एग ज़रूर ट्राई किया होगा, बट अगर आप उसमें थोड़ा सा गार्लिक और अनियन डालते हैं तो इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये होगी बहुत ही सिंपल सी एग की प्रिपरेशन। नेक्स्ट हम यहाँ पर 40 ग्राम दलिया लेंगे, एंड दलिया में आपको थोड़ा सा पानी ऐड करना है, एंड 10 से 15 मिनट के लिए कुक करना है जब तक ये प्रॉपरली सॉफ्ट ना हो जाए। और दलिया का सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है जैगरी पाउडर, या अगर आपके पास गुड़ भी है अखा वाला तो आप उसे क्रश करके इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जैगरी पाउडर ऐड किया है। सो इसके अलावा और इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो ये होगी हमारी बहुत ही सिंपल सी मील नंबर वन। और ये वाली जो मील है, इस मील के मैक्रोज हैं 22.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 14.7 ग्राम्स ऑफ फैट, 39.8 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, टोटल 385 कैलोरीज। सो अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स। लंच के लिए हम बनाने वाले हैं चिकन सैलेड। अभी सबसे पहले चिकन सैलेड की प्रिपरेशन आप देख लें। यहाँ पे मैंने खुद की एक बहुत ही सिंपल सी सैलड ड्रेसिंग बनाई है, बट अगर आपके पास लो कैलोरी सॉसेज है तो वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एंड जैसे कि आपने देखा, इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा बन जाती है, तो ये सिंपली आप 2 मील्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें 82.6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, सो ये ईजिली आप 2 मील्स में डिवाइड कर सकते हैं, बट अगर आपको एक बार में खाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। और ये वाली जो मील है, इस मील के मैक्रोज हैं 82.6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 11.5 ग्राम्स ऑफ फैट, 9.8 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, टोटल 493 कैलोरीज। सो एज यू कैन सी, ये सिर्फ 500 कैलोरी मील है, एंड इसकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा बन गई है। यहाँ पे चिकन में भी आपने देखा, हमने 0 कैलोरी ऑयल स्प्रे यूज़ किया था, जीरो नहीं, आई गेस लो कैलोरी ऑयल स्प्रे, बहुत ही कम उसमें कैलोरीज होती है। सो वो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप एक बहुत ही लो कैलोरी डाइट फॉलो करते हैं। ऑयल से भी काफ़ी कैलोरीज आप बचा सकते हैं। इवनिंग स्नैक में हम लेंगे प्रोटीन शेक एंड राइस केक्स। यहाँ पे राइस केक्स मैंने घर पर ही बनाए हैं, तो ये आप देख लेंगे सबसे पहले मैंने इसे कैसे बनाया। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है अराउंड 15 ग्राम्स पफ्ड राइस, आप इसे कुरमुरा भी बोल सकते हैं, मार्केट में इसे कुरमुरा बोलते हैं आई गेस। सो 15 ग्राम्स वो मैंने यहाँ पे लिया है, एंड इसमें मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून ऑफ पीनट बटर। 2 टेबलस्पून इज़ अराउंड 32 ग्राम्स, सो 32 ग्राम्स पीनट बटर मैंने इसमें ऐड किया है। प्लस आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे प्रॉपरली मिक्स कर लें, एंड देन एक बेकरी में आपको एक कुकी कटर मिल जाएगा, तो
तो उससे आप इसे प्रॉपरली शेप दे सकते हैं, या तो आप लड्डू भी बना सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। तो ये बहुत ही सिंपल सी राइस केक की प्रिपरेशन है। ये बहुत ही हार्ड नहीं बनता है, जैसा आप मार्केट में जो राइस केक मिलता है वो बिल्कुल हार्ड होता है, तो उतना क्रंची नहीं बनता है, बट टेस्ट वाइज ये टेस्ट में काफ़ी अच्छा होता है, तो ये आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। एंड इसके साथ हम लेंगे वे प्रोटीन शेक। सो वन स्कूप ऑफ वे प्रोटीन प्लस 350 ml ऑफ स्किम मिल्क। यहाँ पे मैं अमूल का जो स्लिमन ट्रिम स्किम मिल्क आता है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कैलोरीज काफ़ी कम होती है एंड प्रोटीन भी ज़्यादा होता है। तो ये होगा हमारी मील नंबर 3। एंड ये वाली जो मील है, इस मील के मैक्रोज हैं 45.6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 15.4 ग्राम्स ऑफ फैट, 39.4 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, टोटल 476 कैलोरीज। पीनट बटर यहाँ पे मैं मसल ब्लेस का प्रोटीन पीनट बटर डार्क चॉकलेट वाला यूज़ कर रहा हूँ। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। सो अगर आप ऐसी कोई भी रेसिपीज ट्राई करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़रूरी है कि पीनट बटर का टेस्ट अच्छा हो। एंड प्लस इसमें आपको मिलता है 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर 100 ग्राम्स। सो गाइज, अगर आपको भी इसे लेना है, मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ माई कूपन कोड फॉर एडिशनल डिस्काउंट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका प्रोटीन ख़त्म हो गया है तो अभी रिस्टॉक करने से पहले आप कुछ दिन रुक जाओ, क्योंकि मसल ब्लेस की साल की सबसे बड़ी सेल आने वाली है 22nd से लेकर 26th मार्च तक, तो तभी आप बल्क में खरीद सकते हैं। डिनर के लिए यहाँ पर हम बनाने वाले हैं पनीर। तो सबसे पहले आप पनीर का प्रिपरेशन देख लें। पनीर यहाँ पे मैं लो फैट वाला यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं रेगुलर पनीर यहाँ पे यूज़ करूँगा तो कैलरीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड कैप्सिकम भी, अगर आपके पास सिर्फ ग्रीन वाला है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी बहुत ही सिंपल सी मील नंबर 4। एंड ये वाली जो मील है, इस मील के मैक्रोज हैं 50.4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 18.1 ग्राम्स ऑफ फैट, 26.2 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, टोटल 457 कैलोरीज। सो गाइस, हमारी पूरे दिन की डाइट कुछ इस तरीके से होने वाली है। एंड ये पूरी डाइट के मैक्रोज हैं 200.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 59.6 ग्राम्स ऑफ फैट, 115.3 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, 14.9 ग्राम्स ऑफ फाइबर, टोटल 1810 कैलोरीज। सो गाइज, ये थी हमारी बहुत ही सिंपल सी 1800 कैलोरी डाइट विथ 200 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। एंड अगर आपको ऐसी कोई और डाइट प्लान पर वीडियो चाहिए या और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप जरूर नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू गिव इट अ थम्स अप एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।